वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल आउट टिप्स। अब किसी के पीछे भागना नहीं है, उसको अपने पीछे भगाना है। जो तुम पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, अब खुद से प्यार करना सीखना है तुम्हें। जितना तुम उसके पीछे भागोगे उतना वो तुमसे दूर जाएगा, ठीक है। जितना तुम किसी को समझाना चाहोगे उतना वो चीजों को तुम्हारे सामने रिएक्ट करना चाहेगा या चाहेगी, और तुम्हारी लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, ठीक है। यही मेरा पॉइंट है कि सामने वाले के लिए तुम 100% एफर्ट्स लगा रहे हो, वो 0.1% भी एफर्ट्स नहीं लगा रहा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी कंडीशन हो रही है? तुमने ही पैदा करी है कंडीशन, नहीं तो उसकी औकात नहीं होती। तुम ही उसके पीछे मंडरा रहे हो मधुमक्खी के शहद की तरह, इसलिए वो एकदम वो बन चुका है, क्या तारकासुर बन चुका है, कुलाड़ी की तरह तुम्हारे छत्ते को काट चुका है। तो वीडियो एंड तक देखना, तभी तुम चीजों को समझ पाओगे। अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो आपको नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे जाके तुम कॉल बुक कर सकते हो, डायरेक्ट मुझसे पर्सनली बात कर पाओगे। और थोड़ा भी मैं हॉस्पिटल वगैरह में बिजी हो गया था, इसकी वजह से वीडियो भी नहीं डाल पाया और थोड़ा कॉल वगैरह भी नहीं ले पाया। तो डेफिनेटली अब कल से वापस से वही प्रोसेस होएगा। चलो मेरे पॉइंट पे आएंगे। तुम पीछे भाग रहे हो सामने वाले के लिए, तुम उसको चीजें बता रहे हो कि भाई 2 साल का रिलेशनशिप है, मैं तेरे से प्यार कर रहा हूँ, एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तू मुझे समझ नहीं रहा, मैं कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें तुम जता रहे हो। जताने से प्यार क्या तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, पैसे भी नहीं मिलने वाले। आज तुम जॉब कर रहे हो तो वहां जताते हो गए यार हम इतनी जॉब कर रहे हैं, अब मंथ हो गया, अब पैसे दो, ऑटोमेटिक तुम्हारी सैलरी आ जाती है क्योंकि तुम्हारी इज्जत की जाती है। सामने वाले को पता है इसने वर्क करा है, ये हमारा क्लाइंट है या हमारा कुछ भी है, डेफिनेटली कस्टमर है, ये आ रहा है पेमेंट कर देगा, तो वैसे तुम उसके कस्टमर बन चुके हो। तुम उसको जता रहे हो नहीं मैंने तो ऐसे प्यार, अरे उसको फील होना चाहिए तुम्हारे पार्टनर को। जितने तुम एफर्ट्स लगा रहे हो, तुम 70 कॉल कर रहे हो, वहां से कितने कॉल आ रहे हैं, 3 कॉल आ रहे हैं, धुतकारा जा रहा है, तुम्हें लात मारी जा रही है, तो गधा कौन हुआ, तुम हुए ना यार। इतना अगर तुम एक रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगा रहे हो तो वो एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं है। लड़का ऐसा होना चाहिए कि खुद से तुम्हारे लिए एफर्ट्स लगाए, उसको दिखने चाहिए तुम्हारे एफर्ट्स, लड़के ऐसे होने चाहिए तुम्हारे लिए चीजें करे, ठीक है। सैक्रिफाइस प्यार मांगता है, जहाँ सैक्रिफाइस नहीं वहाँ प्यार नहीं, सीधा सा फंडा है। अब तुम शॉप पे जा रहे हो, तुमने वहां पर बाय कर रहे हो, दाल बाय कर रहे हो या कुछ भी दूध वगैरह बाय कर रहे हो, वो कह रहा नहीं है, तुम क्या भीख मांगने लग जाओगे, दो दो दो, नहीं है तो वहां से आ जाओगे ना, इज्जत है ना, बार बार मांगोगे, शॉप वाले यही कहेगा पागल है क्या। तुम सामने वाले को कह रहे हो कॉल करो, मैसेज करो, अटेंड करो, कहाँ हो मेरे को बताओ, वीडियो कॉलिंग करो, लोकेशन भेजो, सामने वाला तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, नहीं बताना चाह रहा, तो सीधा वंडा है वो तुमसे उतना प्यार नहीं करता, तुम उसकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं रख रहे। छोड़ दो उनको अपने हालातों पे, अपने काम पे ध्यान दो, अपने वर्क पे ध्यान दो, जॉब पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। देखो अगर वन साइडेड लव होगा तो वो नहीं आने वाला। अगर 2-साइडेड लव है उसको फील नहीं हो रहा, अगर तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे तो डेफिनेटली वो आना जरूरी समझेगा, वो तुम्हें समझना जरूरी समझेगा, समझेगी, सीधा सा फंडा यही है आजमाने का। अगर नहीं समझ रही तो जाने दो। आज तुम्हारे 1 साल 1.5 साल 5 महीने 3 महीने झंड हुए, फ्यूचर के तुम्हारे 30-40 ईयर तो सेफ होंगे ना ऐसे पार्टनर की, तुम्हारे सामने रियलिटी औकात तो पता चलेगी ना। तुम साले लगाए जा रहे हो एफर्ट्स उसके लिए, हर चीजें कर रहे हो या कर रही हो, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है यार मैं इतना प्यार कर रहा हूँ वो क्यों नहीं कर रहा, मम्मी पापा जताते कि हमने तेरे से इतना प्यार करा, वो ये नहीं जताते ना। तुम अपने बच्चों पे जताओगे क्या प्यार, नहीं जताओगे ना, जिसने जता दिया वो प्यार ही नहीं है ना। अब सामने वाला तुम्हें शो ही नहीं करना चाह रहा, तुम्हें ये कह रहा है क्या है वो है फलाना है, पागल हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। देखो प्यार करने वाले को टैग दिया जाएगा पागल का, साइको का, तो एक रियलिटी है। तुम्हें अगर किसी ने ये बोल दिया तो समझ जाओ उसके दिल में तुम्हारे लिए उतनी फीलिंग्स नहीं है। मैं भी बोलता था बहुतों को, ठीक है, जैसे मेरे दोस्त वगैरह, और वो क्या है तुम ये काम कर रहे हो, वो मेरे लिए बहुत सारे काम करते थे, एक फ़ोन पे चीज़ें कर देते थे, ठीक है, उनको मैं सुनाता रहता था। अब मेरे को कुछ काम वगैरह पड़ता है, जैसे अभी मेरे कॉन्टैक्ट वगैरह डिलीट हो गए नहीं है, तो मेरे को यूँ उनकी वो वैल्यू फील होती है। तो वैसे तुम्हारे पार्टनर को एक दिन तुम्हारी वैल्यू फील होगी कि भाई वो लड़का सही था, वो लड़की सही थी, ठीक है। ज़्यादा कॉल करने का मतलब ये नहीं है तुम पागल हो, तुम उनकी केयर करो, बट वो नहीं समझेंगे, तो तुम्हें समझाना भी नहीं है। तुम्हारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आ रही है मेंटली, तुम्हारे अंदर वो चीज़ें चल रही है, सबकॉन्शियस तुम माइंड यूज कर रहे हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिजिकल इंटीमेट ना हो जाए ये वो, तुम अपने पार्टनर को चीज़ें अगर डिस्क्राइब कर रहे हो वो उन चीज़ों को लात मार रहे, तो समझ जाओ कि उसके अंदर फीलिंग नहीं है, प्यार नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एफर्ट्स नहीं लगाना, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, लात मारो, भागो मत, चीज़ें अच्छी होंगी, वो क्या उसका बाप भी तुम्हारे पास आना जरूर समझेगा। बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना।